बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ये मैं आपको एक और आज डबल स्टोरी विला दिखा रहा हूँ जो कि शादी टाउन में है। पहले आप इसका एलिवेशन देख लें और फिर ये घर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। पहले आपको मैं इसकी गली दिखा दूँ कि ये गली देख लें, पूरी आबाद गली है ये, आप गली देख लें। और इसके सामने जो है 240 आर्ट्स के बंगलो बने हुए हैं और ये आपको पूरी गली नज़र आ रही है, सारे विला बने हुए हैं। और ये घर में भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये घर मैं भी आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। ये इसका रैंप है और अब हम अंदर जा रहे हैं। ये इसका कारपोच का एरिया है, ये कारपोच का एरिया है। और ये पहले आप देख लें, इन्होंने एक कॉमन बाथरूम दिया हुआ है और एक बेसन है। ये इसका टैंक है और सामने आपको फर्स्ट फ्लोर का पे जाने के लिए जो है विंडो डोर नज़र आ रहा है। और ये इसकी कारपोच की छत और ये देखें आप। और अब ये आपको मैं इसके टीवी लाउंज में लेके जा रहा हूँ। ये घर भी नया है, ज़ीरो मीटर है। ये सामने आपको इसका एलसीडी बॉक्स नज़र आ रहा है। ये देख लें आप इसकी विंडो, ये देखें। ये इसकी फोर सीलिंग है, फोर सीलिंग मैंने आपको दिखा दी। और अभी मैं आपको इसका किचन दिखा देता हूँ। ये देखें इसका किचन, आप किचन शानदार बना हुआ है। और ये देखें, पहले आपको मैं करीब से भी दिखा दूँ। अगर मैं कह रहा हूँ शानदार तो शानदार ही है। तो ये विंडो है इसकी वेंटिलेशन के लिए और चिमनी यहाँ लगी हुई है, ये देखें आप। और इसके लिए जो है अभी ज़ीरो मीटर जो है ये होप भी लेके आए हैं ख़रीद के, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये नया होप है, अभी इसकी पन्नी भी नहीं खुली है। और ये मैंने आपको दिखा दिया, एक बार फिर मैं आपको इसका टीवी लाउंज वाइट में दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने आपको वाइट में दिखा दिया है। अब मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा देता हूँ। ये इसका ड्राइंग रूम है। पहले आप फ्लोरिंग देख लें और आप विंडो देखें कितनी बड़ी। देखिए, 8x8 की विंडो लगी हुई है इसके ऊपर और ये इस पे फोर सीलिंग का काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया इसका। और दरवाज़े जो हैं वो लकड़ी के लगे हुए हैं। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम। पहले आप फ्लोरिंग देखें और फिर आप इसकी फोर सीलिंग देखें। और ये इसकी विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। ये इसका वॉशरूम, ये देखें इसके वो, ये बेसन और एक कमोड लगा हुआ है इसमें। और ये मैंने आपको दिखा दिया। और ये मैंने इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाया आपको। मैंने आपको बताया दरवाज़े लकड़ी के लगे हुए हैं और उसके नहीं लगे हुए, भूसे वगैरह नहीं लगे हुए ये। और ये इसका सेकेंड बेडरूम और ये इसकी फोर्थ सीलिंग। और इसमें जो है वार्डरोब्स भी दी हुई है, मतलब अलमारी जो है वो दीवार में दी हुई है। ये देखें, ये अलमारी जो दीवार में बनी हुई है। और ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम इसका। और इसमें भी कमोड दिया हुआ है। और ये मैंने आपको इसका वॉशरूम दिखा दिया। और ये इसका वॉशिंग एरिया, ये वॉशिंग एरिया देख लें। ये गीज़र की जगह बनी हुई है, गैस का पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पर। और ये मैंने आपको दिखा दिया। और ये वेंटिलेशन के लिए जगह दी हुई है। तो ये देखें आप, कारपोच का एरिया मैंने आपको ये दिखा दिया और इसमें अलग से भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और अब मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ। ये देख लें आप इसका फर्स्ट फ्लोर, ये मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ। ये इसका टेरेस है और आप टेरेस देख लें। और ये इसकी फॉर सेलिंग। और ये देख लें आप, लकड़ी के दरवाजे कह रहा हूँ तो लकड़ी के हैं, देख लें आप सामने। और ये अलग से एक डिज़ाइनिंग भी हुई है विंडोज़ की। और ये देखें इसकी ग्रिल देख लें आप। और सामने आमने सामने सारे घर बने हुए हैं। और ये मैं आपको फर्स्ट फ्लोर भी अंदर से दिखा रहा हूँ। तो भाइयों, ये मैं आपको इसके टीवी लाउंज में ले आया हूँ। पहले आप इसका टीवी लाउंज देख लें। सामने आपको एलसीडी बॉक्स नज़र आ रहा है और वॉलपेपर भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसकी छत देख लें, विंडो देख, रूफ़ देख लें इसकी, उस पर फोर्ट सेलिंग का काम हुआ हुआ है। और अब मैं आपको इसका किचन दिखा दूँ। ये देखें किचन इसका, किचन सेम है जैसे नीचे बना हुआ है ऐसे ही ऊपर बना हुआ है। और करीब से भी दिखा दूँ आपको मैं। ये देख लें, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी हुई है। और ये इसकी अलमारियाँ और ये चिमनी लगी हुई है इसके अंदर, ऑलरेडी लगी हुई है।
और आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये मैंने आपको नीचे से भी दिखा दिया और ऊपर भी इन्होंने नया होब ला के रखा है। ये रखा हुआ सामने लगा हुआ है। और अब मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा दूँ। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है और ये इसकी हॉट सेलिंग है। सामने विंडो दी हुई वेंटिलेशन के लिए और ये वॉशरूम। अब देखिए, यहाँ तो नए घर तो सारे अच्छे ही बन रहे हैं। ये देख लें इसका बेसिन, जितने भी मैंने अब तक आपने हमारे शादी टाउन के घर देखे वो सारे अच्छे ही बने हुए हैं, बस पैसों का फ़र्क है। और ये इसके अंदर जो है, ये इसकी वॉर्डरोब भी दी हुई है। अलमारी जो है वो दीवार के एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही बनी हुई थी और एक फर्स्ट फ्लोर पर भी दीवार के अंदर बनी हुई है। और अभी मैं आपको इसका सेकेंड रूम दिखा दूँ। ये इसके लिए, ये इसकी फ्लोरिंग देख लें और ये देखें आप, इसकी छत पे तो बहुत ज़्यादा ही कारीगरी हुई है। तो ये इसकी फॉर सीलिंग का काम दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, एक अदश वॉशिंग एरिया जो है ऊपर भी दिया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे भी। और ये देखें, और ये वेंटिलेशन के लिए, और ये इसका वॉशरूम। अभी आप इसकी फ्लोरिंग देख लें वॉशरूम की, और ये इसका वॉशरूम बेसन, और ये कमोड लगा हुआ है। ये मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, कि आप लोगों को कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े, सारी चीज़ें आपको इसी में नज़र आ जाएं। अब मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग रूम देख लें, ये फोर, पहले आप फ्लोरिंग देख लें, फिर इसकी फोर सेलिंग देख लें। और नीचे तो 8x8 की विंडो दी हुई थी और ये विंडो भी बड़ी है, तकरीबन ये 6x8 की है। और इसके साथ एक पाउडर रूम भी दिया हुआ है। पाउडर रूम उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ वॉशरूम की जगह हो, बाथ की जगह ना हो, मतलब नहाने की जगह ना हो, तो उस बाथरूम को पाउडर रूम कहा जाता है। अब मैं पोर्च में दोबारा आ गया वापस। ये मैंने आपको पोर्च भी दिखा दिया था पूरा, और अब मैं आपको इसकी छत पे लेके जा रहा हूँ। अब मैं छत पे आ गया हूँ और छत पे भी जो है वो मार्बल लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मियों में हीट जो है वो नीचे नहीं आएगी। ये मैं आपको पूरी छत भी दिखा रहा हूँ। सारी फ्लोरिंग मार्बल पे हुई हुई है। एक अदद वॉशिंग एरिया यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है और एक वॉशरूम भी दिया हुआ है कॉमन। ये मैंने आपको घर पूरा डिटेल में दिखा दिया, ये देख लें आप। तो भाइयों, ये घर मैंने आपको डिटेल में अंदर से दिखा दिया है। ये शादी टाउन ब्लॉक 5 में है और 2,20,00,000 रुपये इसकी डिमांड है। बाकी निगोसिएशन की गुंजाइश है। आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, लीज़ भी है और मैप अप्रूव्ड है इसका, और जो लोग इंटरेस्टेड हों वो कांटेक्ट कीजिएगा। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़।